हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसको हम आमतौर पर पहली बार पढ़ते हैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई यानी कि LLM के दौरान, और तब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जब LLM के प्रोफेसर आके हमारी क्लास में डिबेट्स करवाते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। Although ये टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी इसको काफी इंस्टीट्यूशंस मिस कर जाते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को डिकोड करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म का। और जैसा कि हम अपने हर वीडियो लेक्चर में करते हैं, सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक करेंगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जुडिशियल से हम क्या समझते हैं? जुडिशियल से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जुडिशियरी से यानी कि न्यायपालिका से संबंधित हो। और एक्टिविज्म से हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज का एक्टिव होना। एक्टिव होना क्या है? एक एग्जांपल से हम कैसे समझ सकते हैं कि आपने ये बोला कि एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था एक बच्चे का, एक पुलिस वाले ने अपना एक्टिविज्म दिखा के, एक पुलिस वाले ने अपने अपने आप को एक्टिव दिखा के, एक्टिव होके उसने उसमें एक्ट किया और उस बच्ची को बचा लिया। ये भी एक्टिविज्म का रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है इस टॉपिक पे। और यहां पे भी एक्टिविज्म का जो बात है वो कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में करी गई है। कैसे? ये जो जुडिशरी है यानी कि जो ये जो जुडिशियल लिखा हुआ है, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसी के एक्टिव होने के बारे में ये टॉपिक बात करता है। यानी कि कब हमारी जुडिशरी बहुत एक्टिव होकर हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि एक तो आइडियल काम होता है, जैसे कि उस पुलिस वाले का था, पुलिस वाले का आइडियल काम यह था कि वो अपनी ड्यूटी करता और वहां से चला जाता। लेकिन ये कुछ एक ऐसी चीज थी जो उसकी ड्यूटी के अंदर तो आती थी, लेकिन कायदे से वो करने के लिए बाउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक्टिवनेस दिखा के उस ड्यूटी को परफॉर्म किया और उस बच्चे की जान बचाई। वैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म है कि जुडिशियरी का कायदे से काम तो वो है कि जो केस उसके पास आए वो उसको सुने और उसको सॉल्व करे, बट जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब एक जुडिशियरी खुद अपने आप से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, या उसको अगर कोई ऐसी तकलीफ डेमोक्रेसी में दिख रही है या उसको जरूरत महसूस हो रही है कि जहां पे जुडिशियरी को इंटरवीन करना चाहिए और अपना जजमेंट देना चाहिए, तब वो खुद से अपने आप को जागरूक करके उस चीज पे इंटरवीन करे, अपना जजमेंट दे, ताकि डेमोक्रेसी में चेक्स और बैलेंसेस मेंटेन रहे और डेमोक्रेसी अच्छे से सस्टेन हो। ये तो भी इंट्रोडक्शन की बात, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात। अब हम जरा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करते चले। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ था और कब हुआ था, तो भाई ये बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी कि जो इमरजेंसी का दौर था ना, यानी कि जब हमने आजादी के बाद पहली बार बहुत एक्सट्रीम सेंसेस में इमरजेंसी को देखा था, तब पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में बोला जाना शुरू हुआ था। मैं इसका केस आपको नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एज एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको वो केस पता होना चाहिए जिसमें इमरजेंसी से रिलेटेड के दौरान, इलेक्शंस के दौरान अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी जी भी उसमें इन्वॉल्व थी, उनसे रिलेटेड एक केस हुआ था जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म का केस माना जाता है। इसके साथ ही साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रोएक्टिव रोल किसका? जुडिशियरी का। ये यहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म और कुछ भी नहीं, एक प्रोएक्टिव रोल है जुडिशियरी का। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ सिटीजन को, यानी हमारे और आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियरी जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, प्रोएक्टिव, जो नॉर्मली ना करे उसके आगे बढ़ के जब वो पार्टिसिपेट करती है, तो हम उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं। ठीक है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म की प्रैक्टिस है, यानी कि ये जो प्रैक्टिस है, ये शुरुआत कहां से हुई थी? तो उसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी, और अगर स्पेसिफिकली ईयर के बारे में बात करें तो 1940s के दौरान इसकी पहली बार बात शुरू हुई थी। इसका मतलब ये है कि जुडिशियरी में पहली बार एक्टिविज्म देखा जाना शुरू हुआ और उसको कॉपियों में हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आर्थर जूनियर थे, आर्थर जूनियर साहब ने पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म नाम के टर्म के बारे में बातचीत करी, और वो साल था 1947 का, जो हमारे इंडियंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि इसी साल हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से। ठीक है, अब ये तो हुई फॉरेन की बात, यानी कि भरी सर ये तो आप अब्रॉड की बात कर रहे हैं, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बताइए। तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा कहता है कि इंडिया में कोई एक ऐसा फिलोसोफर नहीं था जिसने पहली बार आया और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात कर दी। इंडिया में मल्टीपल ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए, हाई कोर्ट के जस्टिसेस हुए, जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को परफॉर्म किया और इंडिया में इसको ट्रेंड बना, इंडिया में इसको ऑब्जर्व किया जाने लगा, और उन्हीं कुछ जस्टिसेस के नाम आपको सेकंड पॉइंट में देखने को मिलेंगे। द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया वॉज लेड डाउन बाय जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर, जस्टिस P.N. भगवती, जिनको हम फादर ऑफ PIL कहते हैं। इसी के साथ एक दूसरा सवाल बनता है, मदर ऑफ PIL कौन है? तो मदर ऑफ PIL आपको पता होना चाहिए, हम कहते हैं कपिला हिंगू रानी जी को। ठीक है, जस्टिस ओ चिनप्पा,
रेड्डी एंड जस्टिस डीए देसाई, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे इंडियन लीगल हिस्ट्री के, बहुत प्रोमिनेंट नेम्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है हर एक इंडिविजुअल नाम के साथ। और अगर आप इनको बारे में रिसर्च करेंगे, हमारे मल्टीपल केस लॉस के वीडियोज हैं उनको रेफर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हमने जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द को समझ लिया, इंडिया में कैसे आया ये भी समझ लिया, अब जरा ये भी तो देख लें कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो इसके इस्तेमाल पे बढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब कुछ भी भारी नहीं है। जब जुडिशरी अपने रोल से आगे बढ़ के, अपनी मेहनत से, अपने आप को और ज्यादा एंगेज करके हमारी डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स के लिए लड़े और उनको राइट दिलवाए, यानी कि आइडियल काम जुडिशरी का था कि वो केस उसके पास आए और वो सुने, लेकिन इस केस में जुडिशरी खुद जाके उस केस को सुन रही है और उस चीज पे अपनी जजमेंट दे रही है ताकि अल्टीमेटली जो लोगों के राइट्स हैं वो सस्टेन किए जा सके। ठीक है, अब किन किन मेथड से इसको किया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहला मेथड है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जुडिशरी जो है, जो भी आपके लेजिस्लेटिव चीजें बन रही हैं, जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज जो भी लेजिस्लेशन बना रही है, उसका वो क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। और वो केवल लॉज और एक्ट्स का नहीं कर सकती है, वो ऑर्डर्स का, ऑर्डिनेंसेस का और भी कई चीजों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जुडिशियल एक्टिविज्म का कि जुडिशरी ने एक रिव्यू मैकेनिज्म बनाया ताकि आप जो भी बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम उसका रिव्यू कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ PIL, इसके बारे में भी हम जानते हैं, रिट्स, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात हो रही है PIL की कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब अगर पब्लिक को किसी भी चीज से नुकसान है, कोई दिक्कत है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे जाने से पहले वो क्या कर सकती है, एक PIL दायर कर सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके तहत वो रिलीफ कर सकती है। और इसमें जो जस्टिसेस सुन रहे हैं वो लोगों को राइट दिलवाने के लिए उनके लिए सुन रहे हैं और अपने जजमेंट्स को दे रहे हैं, वो भी क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जैसा कि हमें पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इसीलिए किया गया था ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए, ऑल्दो हमने बर्डन ऑफ केसेस अपील के थ्रू उसमें बढ़ा रखे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इंटरप्रिटेशन का मतलब कि हम लेके जाएंगे कि सर हमें आर्टिकल 32 समझ नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट सर हमें समझा दीजिए। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डिनेंसेस, जो भी रूल्स, जो भी लेजिस्लेशंस बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉम्प्लीमेंटिंग होने चाहिए। और लोगों को कभी भी उन ऑर्डर से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो लोग इस बेसिस पे, यानी कि सर अब आप इंटरप्रेट करिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑर्डर को कॉम्प्लीमेंट करेगा आइडियली, और वो जजमेंट देना होगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ ही साथ एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल स्टैट्यू, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल जो भी लॉज लेजिस्लेशंस बन रहे हैं उनका हमारे इंडिया में क्या लेजिस्लेशन है, उनका हमारे इंडिया में क्या इंप्लिकेशन है, क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए या इंडिया में जो उनका इंप्लिकेशन है वो सही है कि गलत है, इन चीजों पर भी वर्डिक्ट हमारे हायर कोर्ट्स देते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट देती है, और ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है। और उसके साथ ही साथ सुपरवाइजरी पावर, इसका मतलब क्या है, जो हाई कोर्ट्स हैं या जो भी हायर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास सुपरवाइजरी पावर है जिसमें वो क्या करते हैं, वो अपने लोअर कोर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं कि आप इस केस को इस तरीके से डील कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कभी भी पार्लियामेंट या कभी भी कोई ऐसा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फंस जाए तो वो कोर्ट्स की क्या ले सकता है, हेल्प ले सकता है कि आप हमें इस चीज में एड करिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म हमारी कंट्री में परफॉर्म होता है। अब इसके कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला क्या है, वो बैलेंस एंड कंट्रोल का सिस्टम बनाता है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दोनों के बीच अगर साठगांठ होगी तो एक जुडिशरी ही इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि उन दोनों के साठगांठ को तोड़ेगी और एक बैलेंस बनाएगी डेमोक्रेसी में। वरना इस बात की चांसेस हो सकती है कि लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव के साथ अपने मेल भगत करके ऐसे लॉज बनाए जो कि एग्जीक्यूटिव पास करने लग गई और उसको चेक करने वाला कोई भी नहीं अगर सोसाइटी में, तो हम अल्टीमेटली मूव कर जाएंगे एक डिक्टेटरशिप की तरफ। उसके साथ ही साथ इफ इन द केस ऑफ लॉ इज फेल टू मेंटेन बैलेंस ग्रांट्स परमिशन टू पर्सनल जजमेंट, यानी कि अगर लॉ जो है वो इंपैक्ट क्रिएट करने में फेल हो गया तो पर्सनल जजमेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है, फंक्शनल किया जा सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। इट ग्रांट्स परमिशन ऑन द जजेस टू डू अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सी फिट विद इन द रेशनलाइज्ड लिमिट्स। ये जजेस को क्या करता है, एक लिबर्टी परफॉर्म करता है, एक लिबर्टी देता है कि सर आप अपने से डिसाइड करिए कि क्या चीज करना सही है, क्योंकि आपने लॉ की पढ़ाई करी है, आपके जुडिशरी की अंडरस्टैंडिंग है ये लॉ किस तरह से इंप्लीकेट होना चाहिए, वो चीज आप करिए। लेकिन एक शब्द को यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, रेशनलाइज लिमिट, यानी कि जो भी कानूनी तौर पर लिमिट्स हैं उसमें रह के एक जज क्या कर सकता है, ऐसी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है। उसके साथ ही साथ चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर, भाई जो भी मिसयूज ऑफ पावर है अगर कुछ हो रही है तो उसके बारे में चेक कर सकता है, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस डेमोक्रेसी में उसको एड्रेस किया
किया जा सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म से। ये कुछ तरीके थे जिनके थ्रू आपने अपने देखा कि किस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म परफॉर्म होता है और उसके कुछ फायदे भी देखे। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ बड़े एग्जांपल्स रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, जैसे कि केशवानंद भारती का केस, गोलकनाथ का केस, उसके साथ ही साथ तीन चार और भी ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट केसेज है जो आपको पता होने चाहिए और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगे, और अगर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब हम अपने जुडिशियल एक्टिविज्म के वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले, जाने से पहले, मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताता हूं, वो है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ ही हम पढ़ते हैं जुडिशियल ओवररीच, और इसके बारे में मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए हम अपने चैनल पे बने रहेंगे। इस हम वीडियो को समराइज करने के लिए अगर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कुछ बताना चाहें तो जुडिशियल एक्टिविज्म 1947 से उसकी शुरुआत हुई इंडिया में। जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर एक्सेट्रा जो जजेस थे, उन्होंने हमारे इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जुडिशरी क्या करता है, अपने एक्टिविज्म को दिखा के हमारी डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिससे कि हम और आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए। तो ये था हमारा वीडियो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल ओवररीच के बारे में। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड वीकेंड एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।